यहाँ पे है मेन लोकेशन, यहाँ पे सामने मंदिर है और इधर भी। अब यहाँ से अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं आपको, कितनी ऊपर हाइट पे यहाँ से नीचे देखो कैसे दिख रहे हैं। और काफी भीड़ आज मेला है ना। फोन पे सभी लोग वहीं से आ रहे हैं। अच्छे शानदार लोकेशन है। लो जी हम पहुंच गए। अब यहाँ से ये रास्ता सीधा ऊपर जाते हैं। और ये भाई साहब कुरकुरे खाने में मस्त है। चलो दी सीधी। अभी तो हम बीच में पहुंचे, यहाँ से कुछ व्यू है इस प्रकार का शानदार व्यू यहाँ से। और अभी तो हमें काफ़ी दूर जाना है ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे लोकेशन अच्छी है तो थोड़ा सा फोटो वोटो खींच लेते हैं।
यहाँ पे सामने मंदिर है और इधर भी। अब यहाँ से अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं आपको, कितनी ऊपर हाइट पे यहाँ से नीचे देखो कैसे दिख रहे हैं। और काफी भीड़ आज मेला है ना। ये इधर मंदिर है और यहाँ पे सामने एक कुंड है, ये इधर पानी का भर रखा है, इसमें लोग स्नान भी करते हैं। व्यू आ रहा है ऐसा, ये पोल देने में लगा हुआ है वहाँ पे पूरा, यहाँ से देखो आप नीचे और इधर पीछे रह गया मंदिर, यहाँ से व्यू देखो आप। मैं कहाँ से खड़ा हूँ, यहाँ से सीधा नीचे खाई, ये देखो काफी बैठा है यहाँ पे। सामने मेला भी लगा हुआ है तो बस अब वहीं पे चलते। चीजी ले सी रे गाड़ी गाड़ी अभी ने गाड़ी दिला दे आप भाई। इतनी हाइट पे उधर से आ रहे हैं वापस, जहाँ पे मैंने पहले सीन लिया था ना वहाँ पे पहुँच गए बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बाइक की ये टूट गई भाई। देखो ये होती ना इधर सामने ये और इधर ये पत्ती होती है, ये टूट गई जिसकी वजह से पीछे के ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। और ये ढलान, लेकिन इसको किसी तैसे करके इस रास्ते तक को ले आया, थोड़ी बहुत दूरी हो रही है। हाइट देखो यहाँ से, इतना शानदार व्यू, इतनी अच्छी लोकेशन। गिरकार हम वापस नीचे पहुँच गए बड़ी मुश्किल से भाई, बहुत मुश्किल से, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ना पूछो। वो अभी भी नीचे ही है, ये नीचे लटक रही है ना, और साथ वाले वो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको नीचे पीछे छोड़ के आ गया। वहाँ पे सामने इतनी हाइट है और इतनी दिक्कतों का सामना करते हुए उतरी है भाई ये जी। यहाँ पे आ रखा था लेकिन आखिरकार उतार ही ली, अब कैसे तैसे करके करके इसको ठीक करवाते हैं, चलते हैं घर पे। अभी मैं घर पहुंच गया और कपड़े चेंज कर लिए, काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए आना पड़ा, कल सभी दुकानें सब बंद थी, माउस की छुट्टी थी, जिसकी वजह से हमें बिना ब्रेक के ही 10-15 किलोमीटर चला के घर पे आना पड़ा। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और शानदार व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।